नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं विराट भारत। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पूरी एक सीरीज चलेगी, ये पहली वीडियो है। अभी इस पर कितनी वीडियो आपको दूंगा मुझे खुद नहीं पता है, बस मैं ये जानता हूँ कि जब तक इस टॉपिक की एक एक बात आपको क्लियर ना हो जाए तब तक वीडियो इस टॉपिक पर आपको देता रहूंगा। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर कोई बात आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा और आपकी हर समस्या को दूर करूंगा। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको फ्री में सारी जानकारी दूंगा और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने पहले हमारी वीडियो देखा है। यदि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो को देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें ये जानकारी हो गई थी कि हमें किसी भी ट्रेड में एंट्री कब लेना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, लेकिन किसी भी ट्रेड में टारगेट कितना होता है ये कैंडलस्टिक से नहीं पता लग पाता है। टारगेट प्राइस को पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को पता करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शॉर्ट यानी छोटे में हम एस एंड आर कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी चार्ट में उस खास प्राइस पॉइंट को बताता है जिस पर सबसे ज्यादा खरीदारी या बिकवाली होती है। सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जिस पर बिकवाल से ज्यादा खरीदार की संख्या होने की उम्मीद की जाती है। उसी तरह रेजिस्टेंस प्राइस पर खरीदार से ज्यादा बिकवाल के होने की संभावना होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से आप किसी भी स्टॉक में एंट्री का सही वक्त पता कर सकते हैं। सपोर्ट क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है? सपोर्ट प्राइस चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पर प्राइस पहुँचने पर ज्यादातर लोगों को लगने लगता है कि अब सस्ता हो गया है और लोग वहाँ खरीदारी करने लगते हैं। मतलब सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, उस चीज की कीमत बढ़ने लग जाती है। तो आप वीडियो में सपोर्ट को देख रहे हैं किस तरीके से सपोर्ट कहाँ होता है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा मिलना। जैसे कोई भी चीज हो, यदि वो आप एक बॉल लीजिए, अगर उसको उठा के आप ऊपर की तरफ फेंक दीजिए तो ऐसा नहीं है कि वो केवल ऊपर की तरफ ही जाती रहेगी, वो वहां से गिरेगी और किसी जगह पे सपोर्ट लेगी। जैसे अगर बीच में छत पड़ जाती है तो वो छत का सपोर्ट ले लेती है। इसी तरीके से स्टॉक में और ट्रेडिंग में होता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी स्टॉक होता है उसकी प्राइस बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्राइस बढ़ना चालू हुई है तो कभी रुकेगी ही नहीं। किसी एक लेवल पे जाकर उसको रुकना होता है और वहां से वो रिवर्स होकर नीचे की तरफ आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि जब उसका प्राइस गिरने लगेगा तो बिल्कुल एकदम नीचे चली जाएगी, रुकेगी नहीं। कोई ना कोई पॉइंट तो होता ही है जहां पे वो प्राइस रुक जाती है, उसी पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां पर बायर ज्यादा होते हैं और सेलर कम हो जाते हैं, जिसके कारण प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। सपोर्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको अपने चार्ट को ओपन कर लेना है। किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप ओपन कर सकते हैं जिसमें कम से कम दो लो पॉइंट को मिला देने से करंट सपोर्ट पॉइंट मिल जाता है। एक पॉइंट जितने अधिक होंगे वो उतना ही अच्छा सपोर्ट माना जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वैसे प्रोफेशनल रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का तरीका अलग होता है, अभी आप केवल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझिए। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप 90% तक एक्यूरेसी पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 सपोर्ट आप देख रहे हैं। प्राइस ऊपर जाता है, इसके बाद नीचे आता है, एक जगह पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसी सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है, इसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है। इस तरीके से सपोर्ट कार्य करता है मार्केट में। सपोर्ट के कॉन्सेप्ट से समझ में आने वाली बात है, सपोर्ट कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आता है? नंबर 1, सपोर्ट प्राइस किसी स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से नीचे यानी कम होता है। नंबर 2, सपोर्ट प्राइस पॉइंट से स्टॉक की प्राइस में बाउंस बैक आने की संभावना होती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। नंबर 3, सपोर्ट प्राइस पॉइंट से हमें यह समझ में आता है कि इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेडर जितना अधिक उस स्टॉक को बेचना चाहते थे बेच चुके हैं और अब स्टॉक
स्टॉक का प्राइस अपने पिछले सपोर्ट प्राइस पॉइंट पर आने के बाद कम भाव के कारण उस स्टॉक को खरीदने वाले लोग पसंद करेंगे और बायर्स के खरीदने से उस स्टॉक का प्राइस सपोर्ट प्राइस से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। नंबर 4, सपोर्ट से हमें बेरिश ट्रेंड के बदलने और स्टॉक के भाव में तेजी आने की संभावना का सिग्नल मिलता है। नंबर 5, सपोर्ट पॉइंट हमें बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो उस स्टॉक का प्राइस चार्ट पर दिखने वाले अपने पिछले सपोर्ट प्राइस के आसपास तक ही गिरेगा और पिछले सपोर्ट प्राइस से स्टॉक का भाव और नीचे जाने की बजाय बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। नंबर 6, किसी स्टॉक के सपोर्ट प्राइस पॉइंट पर इस बात की पूरी संभावना होती है कि उस स्टॉक का गिरता हुआ प्राइस रुक जाएगा और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस अपने पिछले सपोर्ट प्राइस के आसपास ही घूमता रहे और फिर ऊपर की तरफ जाए। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस शब्द का हिंदी में मतलब होता है रुकावट, रोक या बाधा। तो इस मायने के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कीमत बढ़ने या ऊपर जाने से रोकता है। शेयर बाजार में रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किसी स्टॉक के चार्ट पर उस प्राइस पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है जिस प्राइस पॉइंट से स्टॉक की कीमत ऊपर जाने से रुकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें हमने आपको रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 बना के दिखाया है। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और अपने रेजिस्टेंस पर जाके वो रुक जाता है, इसके बाद फिर वो अपने सपोर्ट पॉइंट तक आता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें आपको 2 रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाया जा रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस नंबर 1 पे आप देखिए कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस के पास जाके फिर वो बैक हो जाता है, इसके बाद दोबारा वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और फिर एक हाई बनाता है, इसके बाद वहां से फिर वो डाउन होता है, गिरता है, एक सपोर्ट का एक लेवल वो बनाता है, इसके बाद फिर वो ऊपर जाता है और अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाता है, वहां से फिर बैक हो जाता है और इसके बाद फिर वो रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि अब यहाँ पर स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है। यही सोच करके ज्यादातर लोग अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, और जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उस स्टॉक की प्राइस में गिरावट आने लगती है। कहने का मतलब है कि वहाँ सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है। सप्लाई और डिमांड क्या होता है, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, यह बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी आप केवल इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी स्टॉक का वो पॉइंट होता है जहां से वो स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ पाता है। रेजिस्टेंस को पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको हम बताते हैं। स्टॉक में रेजिस्टेंस की पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको अपने चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम का वो चार्ट हो, उसमें कम से कम आपको 2 हाई पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद उसको एक सीधी रेखा से आपको मिला देना है। ऐसा करने पर आपको करंट रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाता है। ये पॉइंट जितने अधिक होंगे वो उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस माना जाएगा। अभी आप केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। दूसरी वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करने का प्रोफेशनल तरीका हर टाइम फ्रेम पर सिखाऊंगा। रेजिस्टेंस पॉइंट चार्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर ज्यादातर लोगों की सोच ये हो जाती है कि वस्तु की कीमत अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब और इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, और लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और सेल करने लगते हैं, जिससे रेजिस्टेंस पॉइंट पर सेलर की संख्या बढ़ जाती है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाने के कारण वस्तु की प्राइस कम होने लगती है। रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हमें क्या बातें समझ में आती है। नंबर 1, रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट किसी स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से ऊपर यानी अधिक होता है। नंबर 2, रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस में डाउन रिवर्सल आने की संभावना होती है और स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। नंबर 3, रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से हमें यह समझ में आता है कि इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेडर जितना अधिक उस स्टॉक को खरीदना चाहते थे उतना खरीद चुके हैं और अब स्टॉक का प्राइस अपने पिछले रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट पर आने के बाद बहुत अधिक भाव के कारण उस स्टॉक को बेचने वाले लोग पसंद करेंगे और सेलर के अधिक बेचने से उस स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से नीचे की तरफ आने लगेगा। नंबर 4, रेजिस्टेंस से हमें बुलिश ट्रेंड के बदलने और स्टॉक के भाव में मंदी आने की संभावना का सिग्नल मिलता है। नंबर 5, रेजिस्टेंस पॉइंट हमें बताता है कि अगर किसी
किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उस स्टॉक का प्राइस चार्ट पर देखने वाले अपने पिछले रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे की तरफ आने लगेगा। नंबर 6, रेजिस्टेंस से हमें बुलिश ट्रेंड के बदलने और पिछले रेजिस्टेंस पॉइंट से स्टॉक का भाव और ऊपर जाने के बजाय रिवर्सल करके नीचे की तरफ जा सकता है। नंबर 7, किसी स्टॉक के रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट पर इस बात की पूरी संभावना होती है कि उस स्टॉक का चढ़ता हुआ प्राइस रुक जाएगा और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस अपने पिछले रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट के आसपास ही घूमता रहे और फिर नीचे की तरफ जाए। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने का प्रोफेशनल तरीका क्या होता है। सबसे आसान और सबसे जबरदस्त प्रॉफिट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने से ही होता है, क्योंकि इसमें हमें टारगेट भी पता चल जाता है, एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस का भी पता चल जाता है। और सबसे फायदेमंद बात यह होती है कि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। ट्रेड लेने का बहुत सिंपल तरीका यह है कि सपोर्ट पर बाई करो, रेजिस्टेंस पर सेल कर दो और स्टॉप लॉस लगा लो। बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ इस वीडियो को देख लेने मात्र से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को चार्ट पर देखें, प्रैक्टिस करें। इस पर मैं अभी अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ सके और आप इसके जरिए अपने जीवन में पैसा कमाकर अपना और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सके। मेरा उद्देश्य वीडियो पर व्यू पाना या वीडियो के जरिए पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जो लोग लाखों रुपए लेकर लोगों को यही चीजें सिखा रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, मैं उन सभी ट्रेडर को वो सारी चीजें सिखा दूंगा जिसको सिखाने के लिए लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। मैंने खुद कई लाख रुपए खर्च किए हैं, इसलिए मैं सब कुछ आप सबको बताऊंगा। बस आप वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखें। जब तक जो बात वीडियो में बताई जा रही है वो आपके दिमाग में ठीक से बैठ न जाए तब तक वीडियो को देखिए और चार्ट पर प्रैक्टिस करिए। जल्द ही आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक पर इसके बाद अगली वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल विराट भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए विराट भारत, आपका दिन शुभ हो।